रामायण की मंथरा कौन थी और वह कुबड़ी कैसे हुई? रानी कैकेयी के पिता अश्वपति कैकेय प्रदेश के राजा थे, इसलिए पुत्री का नाम कैकेयी रखा। राजा अश्वपति का एक भाई था वृहदश्रव और रेखा उनकी पुत्री थी। कैकेयी और रेखा चचेरी बहनें थीं और बहुत अच्छी सहेलियां भी। रेखा बेहद खूबसूरत और बड़े बड़े नैन नक्श वाली थी। दोनों में इतनी अच्छी दोस्ती थी कि वे एक दूसरे के बिना बिल्कुल भी नहीं रहती थी। रेखा खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत बुद्धिमान थी और उसे इस बात का बहुत घमंड था। रेखा अपने रूप को सदा के लिए बरकरार रखना चाहती थी, इस कारण उसने गलती से किसी ऐसी चीज का सेवन कर लिया था जिस वजह से उसकी कमर टेढ़ी हो गई और उसका रूप कुरूप हो गया। वहीं ऐसा भी माना जाता है कि उसे एक बार गंभीर बीमारी ने जकड़ लिया था, इस वजह से उसे बहुत प्यास लगती और बहुत पसीना आता था। इसके लिए उसने एक बार तुलसी चंदन और मिश्री का शरबत बनाकर पी लिया, इस कारण वह त्रिदोष से पीड़ित हो गई और उसका शरीर तीन जगहों से टेढ़ा हो गया। उसके कुछ अंगों ने भी काम करना बंद कर दिया। रेखा कुरूप हो गई और उसका नाम कुबड़ी मंथरा पड़ गया।